पहाड़ आते जाते रहें और प्रदेश अपनी पहाड़ को ले जाए, अपनी संस्कृति को ले जाए। जो लोग अपन ये संस्कृति पहाड़ में प्रदेश ले जाने जाने जानी, वो हमेशा अपन पहाड़ का प्यार करनी और पहाड़ वापस आनी। एक संस्था है आपकी, आपने संस्था के द्वारा काफी युवाओं को आगे बढ़ाया, स्टेज देने का काम किया और कई लोग सफल भी हो गए। मुझे गर्व होता है कि मुझे भी अवसर मिलता है किसी की उंगली पकड़ने का, किसी के अंदर के जो जोश होता है उसको दिशा दिखाने का, क्योंकि किसी ना किसी ने मेरी भी उंगली पकड़ी होगी, हाथ नहीं पकड़ा हुआ उंगली पकड़ी होगी, किसी को देखकर मुझे प्रेरणा मिली होगी। प्रणाम, नमस्कार, पहलाक, मैं सुजीत सिंह, वॉइस ऑफ पहाड़ी में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। वॉइस ऑफ पहाड़ी में पहाड़ी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुमाऊनी लोक गायकी की रीड कहे जाने वाली झोड़ा चाचरी, जो अपने आप में खासा महत्व रखती है हमारी कुमाऊनी संस्कृति में। सनवाल जी, आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए आप उसकी दो लाइन गा दीजिए। पुछाई कुमाऊं की बहुत फेमस चाचरी है, चकोटे की पाले, जो मैं अक्सर गीत मंच पे गाता हूँ। मैं आपको दो लाइन सुनाता हूँ। ए चकोटे की पार्वती, सौरा से निजान बली, सौरा से निजान, मासी को परताप लौंडा, स्कूल निजान बली, स्कूल निजान। चकोटे की पार्वती, सौरा से निजान बली, सौरा से निजान, मासी को परताप लौंडा, स्कूल निजान बली, स्कूल निजान। रहट के तान बली, रहट के तान बली, रहट के ताना, निहुनी तू माया दारा, निहुनी तू माना, निहुनी तू माया दारा, निहुनी तू माना, अरे निहुनी तू माया दारा, निहुनी तू बान बली, निहुनी तू बाना। ए चकोटे की पार्वती, सौरा से निजान बली, सौरा से निजाने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आप सभी से भी मैं निवेदन करूंगा, श्रोताओं से, कि आप इसको अवश्य सुने, क्योंकि ये हमारी लोक सांस्कृतिक विरासत है, क्योंकि ये हमारी लोक संस्कृति की रीढ़ है। जब तक हमारे युवा इसको सुनेंगे नहीं, जब तक इसके प्रति दोबारा से आकर्षित नहीं होंगे, तो किस प्रकार हम अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं। सही कहा आपने सुजीत जी, जो प्राचीन हमारी जो शैली थी उसमें थोड़ा सा नयापन लाते हैं, ताकि युवा उसको सुने, समझे, फिर उसकी गहराई में जाने वाला साथी बिल्कुल बिल्कुल गहराई में जाए कि प्राचीन में किस प्रकार गाई जाती थी। मैं छपेली पे आता हूँ। छपेली यानी क्षिप्र गति से, जिस गीतों को बहुत द्रुत गति से गाया जाता है वो छपेली बन जाती है। छपेली में एक शैली होती है पट, जनों का हम जोड़ ले कर जोड़ कर, ये उसके साथ बहुत अहम हिस्सा है। उस गीत में पट का होना बहुत जरूरी है, तो उसको हम छपेली कहते हैं। एक छपेली हमें जो युवा शैली है, जो हमारा कल्चर, इसमें मैं इस इन गीतों की जो कैटेगरी है उसको व्यंगात्मक कहता हूँ। हमारा कल्चर बदलते जा रहा है, तो उसमें मैंने एक गीत बनाया था, हाय हेलो हाय ऋतु, कनी तिकनी लौंड ऋतु। हाय हेलो हेलो हाय ऋतु, कनी तिकनी लौंड ऋतु, खेत खेतानी है सरितु, हैश बेनी पगलाए ऋतु। हाय हेलो हेलो हाय ऋतु, हाय हेलो हेलो हाय ऋतु, हे ऋतु, आँखों में चश्म तेर, हाथों में घड़ी, जल तक देखो भैगी रे गोठड़ा ठेड़ी, जल तक देखो भैगी रे गोठड़ा ठेड़ी, कोई को पटाका छे तू, कोई फूल झड़ी, अरे कोई फूल झड़ी ऋतु, कहनी ती कहनी लौट ऋतु, खेत खेतानी हैस ऋतु, हैस बनी पगलाए ऋतु। हाय हेलो हेलो हाय ऋतु, हाय हेलो हेलो हाय ऋतु, हे ऋतु, माँ का खजाली टोकली अमुखड़ी, भोली भाली कांजले की काली, तेरी लिपस्टिक कह लाली, काजले की काली, तेरी लिपस्टिक कह लाली, कह तू भोज हैली, हैलके की शैली, डबल हैलके की तू शाली ऋतु, कहनी ती कहनी लौंड ऋतु,
खेत खेतानी है सरी तू है से बनी पगलाई ऋतु हाई हेलो हेलो हाई ऋतु हाई हेलो हेलो हाई ऋतु। गजब, आपने नए ट्रेडिशन पे भी काफी अच्छा बिल्कुल फोकस किया है और जो हमारे युवाओं को काफी पसंद आएगा क्योंकि युवा लोगों को भी काफी जोश चढ़ेगा इस गाने से। पहाड़ी के स्टेज शो का एक कलाकार के जीवन में क्या महत्व है? किसी भी कलाकार के लिए स्टेज प्राणवायु है। बिना मंच के कोई कलाकार लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता, इसलिए प्राणवायु के समान ये स्टेज हमारे लिए है। और मैं सबसे अधिक ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ उन आयोजकों का, उन श्रोताओं का, उन दर्शकों का जो आयोजक स्टेज तैयार करवाते हैं और उस स्टेज को जो दर्शक एकत्रित होकर हमारे कलाकारों को देखते हैं, सुनते हैं, सराहते हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और यही आपसे प्रार्थना करूँगा, इसी प्रकार के आप आयोजन अधिक से अधिक होने चाहिए जिसके कारण कम से कम हमारे लोग स्टेजों के माध्यम सीधे अपने कल्चर, बोली, भाषा से जुड़ जाते हैं। जी पहाड़ी जी, एक हमारे कई कलाकार हैं बहुत उभरते हुए सितारे हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, परंतु उनको एक सफल मुकाम नहीं मिल पाता। और जैसे आप लोग भी संस्कृति की सेवा कर रहे हैं, परंतु इसमें काफ़ी बताते हैं कि प्रॉब्लम्स आती हैं, काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इसको अपनी आजीविका के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं उतना मेहनताना आपको कलाकारों को नहीं मिल पाता, अक्सर कलाकार इसलिए भी असफल हो जाते हैं। कार्य कोई भी हो, चाहे वो ये लोक गायकी का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी सरकारी पद के लिए अपनी उस टेस्ट को पास करना हो, हर कार्य में संघर्ष करना पड़ता है। परंतु कलाकारी भावनात्मक होती है। हम इस कलाकारी में आते हैं, अगर मैं यही कहूँगा अपने सभी कलाकार साथियों से, आप अपने सीनियर्स को, यानी कि पहले किस कलाकार ने कैसे संघर्ष करा, वो सफल कैसे हुआ, क्योंकि सफल व्यक्तियों को पढ़कर ही आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। संघर्ष तभी कम दिखाई देता है जब हमने अपने से पहले सफल व्यक्ति के संघर्ष को पढ़ा होता है। पहाड़ी जी, जैसे आजकल के हमारे युवा हैं वो अपने कल्चर को छोड़ के, पहाड़ी कल्चर को छोड़ के, जैसे पंजाबी कल्चर या हम जो कहें वेस्टर्न कल्चर की ओर को मुड़ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है आप हमारे जो पहाड़ी, जो पहाड़ के युवा है या जो यहाँ से पलायन कर चुके हैं, वो लोग कहीं ना कहीं हमारे कल्चर से फिर दोबारा जुड़ाव रखें? बिल्कुल सुजीत जी, मुझे पूरा विश्वास है। आज हम देख रहे हैं कि मैसअप और रैपिंग इस कई प्रकार के वेरिएशन के साथ आ रहे हैं, लेकिन वो अपनी बोली भाषा में आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि कम से कम वो अपनी बोली भाषा, अपने वो सब हमारे जो गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी जो शब्द हैं उनको जीवित तो रख रहे हैं, तो किसी न किसी रूप में वो जीवित रहेगी कलाकारी अगर हम इस प्रकार काम करते रहेंगे। आपने कई सारे युवाओं को मौका दिया है, युवा कलाकारों को मौका दिया है, क्या आपके दौर में भी ऐसा होता था कि कई कलाकारों को मौका दिया? जैसे आपने अभी एक संस्था है आपकी, आपने उस संस्था के द्वारा काफ़ी युवाओं को आगे बढ़ाया, स्टेज देने का काम किया और कई लोग सफल भी हो गए हैं। मुझे गर्व होता है कि मुझे भी अवसर मिलता है किसी की उंगली पकड़ने का, किसी के अंदर के जो जोश होता है उसको दिशा दिखाने का। मैंने सन 2000 में एक सोसाइटी रजिस्टर कराई थी, संस्कृति एक सामाजिक संस्था, जिस सोसाइटी के माध्यम से कई लोक गायक और कई लोक गायिकाएँ ने कार्य करा और उनकी जो प्रतिभा निखर के आई और आज वो उत्तराखंड के अंदर एक नाम कमा रहे हैं। सौरभ मठाणी एक युवा लोक गायक जिसने बहुत मेहनत करी हमारे इस संस्कृति एक सामाजिक संस्था के लिए, शकुंतला रमोला जी, मनोज सामंत, ये बहुत ऐसी प्रतिभा के धनी हैं कि आज इनकी अपनी एक पहचान है उत्तराखंड के अंदर, जो इस संस्था की देन है। उसी प्रकार हमारे कई डांसर्स हैं, रोजी, साक्षी, पूजा मंडराल, उमा अटवाल, चंदन, मोनू, और ये ऐसी प्रतिभाएं हैं जो आज उत्तराखंड में अपनी पहचान रखती हैं, जो हमारी सोसाइटी का जो कार्य है। मैं और इन सब से भी मैं निवेदन करूंगा और सभी कलाकारों साथियों से भी निवेदन करूंगा, अगर आप चाहते हैं कि इस लाइन में आए, आप किसी को कह नहीं पा रहे, हमसे संपर्क करिए और जो हमसे उपन पड़ेगा हम वो काम करेंगे। आप वॉइस ऑफ पहाड़ी हैं, ये चैनल हमारा, तो मैं एक वॉइस है इस पहाड़ी की या हम सब पहाड़ी की। एक मेरी कविताओं की कुछ लाइन है, कोई कुछ हो त्यार पहाड़, कोई कुछ हो म्यार पहाड़, कोई कुछ हो त्यार पहाड़, कोई कुछ हो म्यार पहाड़, कोई नहीं हो त्यार अपन, हम सब उलें छोड़ पहाड़, त्यार अपन उलें छोड़ पहाड़। ए जा लौटी ए जा,
ओ परदेसी तू घर ऐ जा लौटी ऐ जा लौटी ऐ जा लौटी ऐ जा ओ परदेसी तू घर ऐ जा ओ परदेसी तू घर ऐ जा त्यारा बालेपन का कैनी मुदगड़ी आणु जाणु बाटू पाणी की धारी त्यारा बालेपन का कैनी मुदगड़ी आणु जाणु बाटू पाणी की धारी संग हाया स्याणे नी मुख पलटा ऐ जा लौटी ऐ जा ओ परदेसी तू घर ऐ जा घर ऐ जा बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद पहाड़ी जी। आपके इस गीत से आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे काफ़ी लोग पहाड़ की ओर को दोबारा लौटेंगे और जो पलायन हमारा जो मुख्य दंश है उस पलायन को रोकने में और हमारे लोगों को पुनः यहाँ पे पुनः स्थापित करने में आपका ये गाना अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान रखेगा। और हम भी वॉइस ऑफ पहाड़ी के अपने चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहते हैं कि अपने पहाड़ अवश्य आएँ, इसकी सौंदर्यता को, इसकी नैसर्गिकता को, और यहाँ पे आप लोग व्यवसाय यहाँ करें क्योंकि यहाँ पे बहुत भंडार है, काफ़ी चीज़ें हैं। हम लोग लौट के अवश्य आएँ और आपसे यही निवेदन करेंगे कि जो पलायन हमारा हो रहा है पलायन को रोकने में आप लोग भी भागीदार बने। मैं आपू दगड़ी गिरीश सनवाल पहाड़ी आप सब लोगों ने निवेदन करूँ वॉइस ऑफ पहाड़ी उस चैनल को जरूर देखिया, उसे लाइक करिया, शेयर करिया, सब्सक्राइब करिया। धन्यवाद। पार्वती सोरा सैनी जन बली।